हेलो, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। ये देखिए, पीछे से ये है कैमरामैन, नाटक कर रहा है। तो बहुत समय बाद मैं वीडियो लाई हूँ। तबीयत तो ठीक नहीं है फ्रेंड्स, आज भी मन नहीं था तो वीडियो नहीं आ रहा था। तो आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। 4 महीने से तो धीरे 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 4 महीना बीत गए हैं। दिखा रहे दवा चालू है, बस आप लोग दुआ कीजिए ठीक हो जाऊं। और मैं जा रही थी कुछ बनाने, तो मैं सोची लाओ वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ और वीडियो भी शूट हो जाएगा और ठीक रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं कुछ नया एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। शशांक, ये लोग हाँ क्या करोगे? ये आम काटी है ना, तो नमक डाल के उसको खाना था। मैं नया रेसिपी एक स्टार्ट बनाने जा रही थी, तो मैं सोची आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूं। रिसी से मेरा वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा, बन जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो चलिए, नया रेसिपी में क्या है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, टंटना आम है। मैंने आम को छील भी ले जा रही थी बनाने, तब याद आया मैंने कहा शेयर कर दूँ रेसिपी को, जो कि इसे यूपी में बोलते हैं गुरम्मा और बहुत जगह वो भी बोलते हैं मुरब्बा उरब्बा बोलते हैं। हमारे यूपी में गुरम्मा बोलते हैं आम का, गुड़ डाल के बनाया जाता है। तो मैंने देखिए इसे कट कर लिया है। एक बार आम आया तो बनाने, फिर दोबारा हाथ में बना लेते हैं। इसमें क्या क्या लेते हैं बता देते हैं। इसमें पंचफोरन, देखिए लहसुन, और इधर मिर्ची। लाल मिर्ची है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लो। मेरे पास नहीं था, मैं चलो इसी से काम चला लेते। और गुड़ ये डाल के बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे देखिए तेल ले लिया है, जा रही हूँ ऑन करने गैस। देखिए यहाँ पे मैंने टोप ले लिया छोटा सा, हाँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा टोप इसी में बनाऊंगी, इसी में ताकि पड़ा रहे। तेल डाल दिया, तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद डालूंगी मैं ये। पहले पंचफोरन का तड़का दूंगी। शशांक गिर जाएगा बेटा, रखो। और ये देखिए कि आम लिया है, छुपा के रखा था आम ये खाने के लिए। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैं डालूंगी पहले पंचफोरन, तड़का दूंगी। शशांक नहीं डर दूँ। तो ये लोग धीरे धीरे आम छुपा छुपा के लेके जा रहे हैं, इन लोगों को खाना बनाने ही नहीं दे रहे। एक बार ऐसी आता ऐसी कि इस बार भी है, मैं बना लूँ, लिया है खा रहा है, फिर से ले रहा था, वही मैंने नहीं लेना है बेटा। ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए बच्चों को, नुकसान भी करता है, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। तो देखिए मैं तड़का दे दी हूँ, अब इसी में लहसुन को आपको कट करना है तो कट करिए, नहीं तो आप ऐसे ही डाल दीजिए। तो मैं इसे ऐसे ही डाल दूँगी। रोटी थोड़ा सा मिर्ची भूनूंगी। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, मैं डाल दूंगी मिर्ची। मिर्ची हल्का सा भून के तब मैं ये डाल दूंगी। इसे भी हल्का सा भून के गुड़ डाल के नमक डाल के हो जाएगा। आप लोग भी जरूर बनाइए, अब सीजन आ चुका है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। नहीं कुछ है तो रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठा के साथ खाओ, अच्छा लगता है। पूड़ी पराठा के साथ भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी। और डेली डेली दाल चावल सब्जी खा खा के तो उग ही जाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो चलिए अब इसे भी डाल देते हैं, आम को भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आम डाल दिया है, इसी तरह मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, भून के तब ये गुड़ डालूंगी और हल्का सा पानी और नमक डाल के मैं करूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसी लगी रेसिपी, और ट्राई भी ज़रूर करना। वैसे तो सभी बनाते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। शक्कर नहीं, गुड़ है तो शक्कर डाल दीजिए, और गुड़ तो वैसे भी सभी के घरों में अवेलेबल है। और शक्कर का भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुड़ का अच्छा लगता है, जो काला काला हो जाता है ना, उसका अलग ही टेस्ट और दिखने में भी अच्छा लगता है। मेरा चेहरा देखो कैसा हो गया, मैं बीमार हो गई हूँ क्या? तो इतना रोज तेल, इतना जार रख, इतना तेल, इतना सर दर्द, पूरा पूरा तेल तो पूरा कैसा हो गया मेरा चेहरा। ये वीडियो कब जाएगा पता नहीं। तो फ्रेंड्स अभी ये हो गया है हल्का सा, मैं गुड़ डाल लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, क्योंकि आम है ना बहुत नरम।
एग्जॉस्ट फैन चालू की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तड़का लगा था तो जार आ रहा था, तो इसमें ना ज़्यादा वो नहीं डालूँगी, पानी थोड़ा सा डालूँगी। और आम ना बहुत नरम है तो जल्दी गल जाएगा, इसमें और कुछ नहीं डालना, हल्का सा आपको नमक डालना है। आधा गिलास मैंने पानी डाला है, देख लीजिए आप लोग, आधा गिलास बचा है। इसमें नमक डाल के ढक देंगे, हल्दी आपको डालना है तो हल्दी डालिए, नमक भी थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, नमक थोड़ा डाल दो, खट्टा मीठा नमकीन सब इसमें आ जाता है टेस्ट। हल्का सा हल्दी भी डाल दीजिए आप लोग, भूनते टाइम डाल दीजिए चाहे जैसे भी डाल दीजिए, तो मैं हल्का सा डालूँगी, अच्छा लगता है थोड़ा कलर। चलिए इसे अब ढक देते हैं, कुछ करना नहीं, इसे ढक देंगे पकेगा। आपको मैं दिखा देती हूँ मोबाइल उठा कर, ये देखिए कलर वाला एकदम अच्छा लगता है। तब इसे ढक देंगे ऐसे, धीरे धीरे ये पकेगा, बहुत जल्दी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, बन जाता है तब आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ, है ना, तब तक मैं और अपना काम कर लूँ। फ्रेंड्स देखिए अभी ये बन चुका है मस्त एकदम, 5 मिनट बस लगा है। अगर आप लोगों को इसको और गाढ़ा करना है तो कीजिए, मैं थोड़ा सा ऐसे ही रखूँगी क्योंकि खाने में अच्छा लगता है। अरे आम का तो आप लोग देख ही सकते हैं, सोच रहे होंगे पका है कि नहीं, तो आम पक गया है। क्यों पक गया है, क्योंकि बहुत नरम था, आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी, देखिए आप लोग टूट भी रहा है तो पक गया है, और मुंह में सब पानी भी आ रहा है मेरे, तो खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन ये ठंडा हो जाएगा तब अच्छा लगेगा, तब तक मैं अपना और दूसरा काम कर लेती हूँ। तब गैस बंद करके इसे मैं ढक दूँगी फ्रेंड्स। इधर देखिए मेरा बेटा निकाल निकाल के लेके जा रहा है खाने के लिए,